जो आपने परंपरावादी और केंजियन विचार आपने पढ़े होंगे, केंज का ये मानना था कि हम अगर सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं तो आराम से जीडीपी के स्तर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत जो है वो मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का नहीं था। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि राजकोषीय नीति के द्वारा तो नहीं, हाँ मौद्रिक नीति के द्वारा, मौद्रिक विस्तार करके अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हो तो आप जरूर शॉर्ट टर्म में जीडीपी के लेवल को बढ़ा सकते हो, और लेकिन उस समय कीमत स्तर भी बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी, केवल कीमत स्तर बढ़ेगा। इसी कंसेप्ट को बच्चों हम बोलते हैं द मॉनेटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन, यानी कि मुद्रावादी प्रतिक्रांति। एक तरीके से केंजियन जो विचार है उसका ये विरोध है, तो उसी को हम समझाने का कोशिश करेंगे। केंज का विचार में मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि सदैव कीमत स्तर को नहीं बढ़ाती है, क्योंकि जिस समय उनका ये मानना था कि जो तरलता जाल की स्थिति होती है, जब ब्याज दर ऑलरेडी बहुत नीचे होती है, मुद्रा की मांग जो है वो ऑलरेडी पूर्णतः लोचदार के आसपास होती है, यानी कि सारा का सारा पैसा व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है, उस समय अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर बढ़ेगा। डायग्राम के थ्रू बच्चों मैं आपको इस कंसेप्ट को समझा दूंगा। पहले आप उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मौद्रिक विचार जो कहता है वो ये कहता है कि नॉमिनल आय को मुद्रा की आपूर्ति द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, यानी कि अगर हम मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाते हैं, अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाते हैं, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाते हैं, तो हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने पहली बात ये कही। दूसरी बात कही कि मौद्रिक कारणों से उत्पादन और रोजगार में चक्रीय परिवर्तन आते हैं, यानी कि अगर मौद्रिक में विस्तार होता है तो अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो विस्तार आएगा, और मुद्रा की पूर्ति में कमी आई तो मंदी आएगी, ऐसा मानना था मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का, लेकिन यह केवल अल्पकाल में होगा। दीर्घकाल में मौद्रिक विस्तार के कारण वास्तविक चर जैसे वास्तविक जीडीपी, रोजगार आदि में कोई वृद्धि नहीं होगी, और अर्थव्यवस्था में जो भी असंतुलन पैदा होता है वो केवल और केवल सरकारी नीति की वजह से आता है। तो बच्चों बेसिकली यहां पर आपको जो समझना है वो ये समझना है कि अगर हम मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, पूर्ति में वृद्धि करते हैं, तो जीडीपी के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, जीडीपी में वृद्धि होगी। जीडीपी में वृद्धि का मतलब रोजगार बढ़ेगा, लेकिन दीर्घकाल में जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, केवल कीमतें बढ़ेंगी। तो बच्चों ये जो है एक तरीके से मुद्रावादी विचार का कंक्लूजन है। इसी बात को मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहां पे बच्चों हम अल्पकाल लेके चल रहे हैं, शॉर्ट पीरियड। यहां पे हम दीर्घकाल लेके चल रहे हैं। अल्पकाल में आप ये मान के चलिए मान लीजिए ये हमारी एडी है, इसको क्या आप एग्रीगेट डिमांड बोल रहे हैं, और ये हमारा है एसआरएस। मान लीजिए आप एक तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो और ये आपका कीमत स्तर है पी, ठीक है जी। अल्पकाल में क्या होगा, अल्पकाल में अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है, मनी की सप्लाई बढ़ती है तो मनी की सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपकी जीडीपी का लेवल जो है वो Y1 हो जाएगा, और इस स्थिति में प्राइस लेवल P1 हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने अल्पकाल में जीडीपी के लेवल को बढ़ा दिया, लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा बच्चों वो भी एक बार समझना जरूरी है। इसके लिए पहले हम अल्पकाल का डायग्राम एक बार दोबारा से बना लेते हैं। अल्पकाल में क्या हुआ था, सबसे पहले हमने कहा दीर्घकाल से पहले अल्पकाल एक बार बना लेते हैं। माना ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है,
ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमने समझा। हम अपने लेवल पर हैं जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, इसको वाई स्टार बोल देते हैं। और अगर हमारी, और इसको कीमत स्तर पी जीरो बोल देते हैं। अब यहां पे क्या हुआ है, एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि देखने को मिली और ये डी वन हो गया अल्पकाल में, जिससे कि जीडीपी का स्तर बढ़कर वाई वन हो गया और कीमत स्तर बढ़कर पी वन हो गया। इसको ए बोला गया, इसको बी बोला गया, सेम डायग्राम बच्चों कॉपी कर लिया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा वो हमें समझना है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट खेल उस दीर्घकाल का है जो दीर्घकाल की प्रक्रिया में होता है। दीर्घकाल में क्योंकि इस केस को हम बोलते हैं स्फीतिक दशाएं, स्फीतिक अंतराल पैदा हो गया है, स्फीतिक दशाएं पैदा हो गई है। आप देख सकते हो उत्पादन जो है वो रोजगार के स्तर को भी पार कर गया है, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो जो लागत है उत्पादन लागत वो भी बढ़ती है। जो श्रमिक है वो ऊंची मजदूरी मांगेगा, श्रमिक ऊंची मजदूरी मांगेगा, और जब श्रमिक ऊंची मजदूरी मांगेगा यानी कि उसको, श्रमिक को पता चल चुका है कि कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं जबकि उसकी मजदूरी उतनी नहीं बढ़ी है, तो इसकी वजह से जो SRAS है लॉन्ग टर्म में वो बाई ओर खिसक जाएगा इस तरीके से, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई टू। और आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म में सी होगा, यानी कि इस स्थिति में जो रोजगार का स्तर है वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगा और केवल कीमत स्तर बढ़ गई है। यही बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है उसे कहते हैं मॉन्ट्रेस्ट मतलब एक तरीके से रेवोल्यूशन, क्रांति। यानी कि इसमें केंज का ये मानना था कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हो तो आप आसानी से जीडीपी के लेवल को बढ़ाकर मंदी को दूर कर सकते हो, लेकिन मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा केवल अल्पकाल में ही पॉसिबल है, दीर्घकाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में जो मजदूरी है वो बढ़ेगी, श्रमिक ऊंची मजदूरी की डिमांड करेगा, जिससे कि वो गिवन जो प्राइस है उस पर कम अपनी लेबर की सप्लाई कर देगा, जिससे अल्टीमेटली आप देखोगे तो फिर से वही स्थिति आ जाएगी जो आपकी पहले थी। इसके अलावा बच्चों जो मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को जो मॉडर्निस्ट इकोनॉमी है उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, और जो ये वाले इकोनॉमिक्स हैं केंजियन विचार हैं उन्होंने फिजिकल पॉलिसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। तो बच्चों मौद्रिक और केंजियन विचारों में कंपैरिजन करते हुए हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो जब हम कोर्स बनाएंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको मॉडर्निस्ट और केंजियन के विचारों में और जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।